ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्यार और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं रन सिमुलेटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मुर्गियों को मार के यार यहां पे ना एक बड़ा सा पिग्स का फार्म बनाया था, उसको लाइक बड़ा कर दिया था हम लोगों ने, बार्न वगैरह सब डिस्ट्रॉय करके। और यहां पे मैंने ना ये थोड़ा ये ऐड कर दिया क्योंकि ना ये जो अंडे वगैरह पड़े हुए थे ना इसमें से यार मुर्गियों के चूजे निकल के आ रहे हैं भाई बार बार, ठीक है। इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया क्योंकि ना ये सारे के सारे चूजे जो थे ना ये बाहर घूमने लग जा रहे थे, पता नहीं यार उन्होंने कैसे निकल रहे थे बाहर, इसलिए मैंने इनको इसके अंदर बंद कर दिया है। और यार इन अंडों को ना मेरे को हटाना पड़ेगा, नहीं तो यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मुर्गियां हो जाएंगे इसलिए। और ये हमारा है पिग्स का फार्म, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मुर्गियों के लिए एक बहुत बड़ा फार्म, जिसके अंदर लाइक हम लोग सारे एक्सपेंसिव कूप रखेंगे और काफी सारी मुर्गियां भी रखने वाले, ताकि वो हम लोगों को अंडे देंगे तो भाई वो हम लोग चीज के अंदर मिक्स करके उनको ना ज्यादा प्रॉफिट में सेल कर सके। तो चलते हैं यार गेम में और शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस, हम लोग हमारा मुर्गियों का फार्म है ना यहाँ पे बनाएंगे, और मेरे को ना सारे पेड़ वगैरह जितने भी है ना कट करने पड़ेंगे उससे पहले, वो हम करेंगे। लेकिन पहले मैं देख लेता हूँ कि इतना जो है इनफ रहेगा कि नहीं। चलो तो हम लोग सबसे पहले तो ना ये जो पेड़ वगैरह है ना जितने भी, इन्हें यहाँ पे कट कर देते हैं क्योंकि ना इनको हटाना पड़ेगा ताकि हम लोग बड़ा सा मुर्गियों का फार्म बना सके यहाँ पे, ठीक है। और यार यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा सारे पेड़ है तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है इनको कट करने में। और ना मैं एक्चुअली मैंने सारे फार्म इसी जगह पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ना देखो जो मुर्गियां होती है ना उनके अंडे एक्चुअली हमारे सिर्फ चीज बनाने में काम आएंगे, इसलिए मैं जो मुर्गियों का फार्म है ना उनको ना यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ताकि ना हम लोगों को ईजी रहे यार वहाँ देखो, क्योंकि हमारे जो पीछे ही किचन है और किचन में जाके ना हम लोगों को सारे अंडे वंडे रखने पड़ेंगे, इसलिए भाई कितने पेड़ है भाई कट भी नहीं रहे देखो। तो इसलिए मैं ना उसको यहीं पे बना रहा हूँ और ये सारा पहले तो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो आई थिंक इतना भाई यार ये पेड़ क्यों काटा मैंने, व्हाट। चलो ठीक है, ये आई थिंक यहाँ का इतना क्लीन बहुत है गया इतना। ओके, तो आई थिंक यार गाइस मैंने ना सारे के सारे जितने पेड़ हम लोग कट करने चाहिए थे उतने मैंने कर दिए हैं। और ये लकड़ी वगैरह है ना इनको पहले इस साइड में पटक देता हूँ मैं, इधर आओ रे सारे के सारे भाई। चलो गाइस इनको एक एक करके ना सारा यहाँ पे पटकते रहते हैं क्योंकि ये ना अभी हमारी पूरी जगह घेरने लग जाएंगे, इसलिए नहीं तो ठीक है इसको साइड में करता हूँ। इनको भी हम लोग ना भाई लेटर उन कन्वर्ट कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे यहाँ पटक देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को ना यहाँ से फेंसिंग करना शुरू करना पड़ेगा। फेंसिंग के लिए यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है इसका सीधे का मेरे को समझ नहीं आता, एक तो आई डोंट नो अभी ये सीधा है कि नहीं है। आई थिंक ये सीधा है, पता नहीं गाइस ये सीधा लग तो रहा है मेरे को। हाँ ये सीधा है, आई होप सो ये सीधा है, इतना बहुत है। और यहाँ का सीधा आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो आई थिंक ये स्ट्रेट है, 18 का मतलब होता है स्ट्रेट, तो 18 क्लिक हमें करने पड़ते हैं इसको स्ट्रेट बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं फेंसिंग करता जाता हूँ भाई। और ये पिग्स कैसे बाहर आ गए, हेलो। अबे ये कैसे बाहर आए, अबे ये कैसे बाहर आए, मैं तो रास्ता भी नहीं आने का। एक सेकेंड, ये पिग्स बाहर कैसे आए भे, इधर आओ, हेलो अंदर आ। अबे पिग्स कैसे बाहर आए, यहाँ तो रास्ता भी नहीं है बाहर आने का, फिर हाउ कम। गाइज आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा मैं दरवाज़ा, अबे भाई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था मैंने, तभी सोचूं यार ये पिग्स क्या से बाहर आ गए भाई, हद है। ये देखो गाइज इनको भाई सारे के सारे बाहर घूम रहे। ओ भाई सब कितने सारे पिग्स बाहर आ गए यार गाइज, तो पंगा हो गया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला। आई डोंट नो कितने पिग्स जो है बाहर चले गए भाई, सारे के सारे पिग्स बाहर चले गए। शिट गाइज शिट, अरे यार भाई ये क्या है यार, दरवाज़ा खोलना। वो एक दो ये तीसरा वहाँ पर है, सारे मरेंगे बाहर जाके। अबे अरे भाई अंदर आ जा, क्यों बाहर जाते हो यार, तुम लोगों को बाहर कौन खाना दे रहा है, बाहर जाके मर जाओगे बे मतलब के। अबे यार मैंने कितने दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, कैसे आ रहे हैं ये लोग। अबे यार गाइस यार कितने सारे पिग्स जो है ना बाहर चले गए, ये देखो इसको बाहर भटक रहा है भाई ये बच्चा। उद कितने सारे हैं भाई, सबको अंदर ले जाता रहूँगा क्या मैं, हद कर दिया भाई मैंने, दरवाजा छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, डोंट एवर डू दिस मिस्टेक। जल्दी आ जा जल्दी आ जा जल्दी आ जा यार गाइस, इनको ना लाने में बड़ी प्रॉब्लम है यार। यार मेरे को आज बिल्ड करना था वो पूरा और इन लोगों ने हरकतें कर दी अब। अरे भाई इधर आ जा, इधर जा रहा है, इधर आ, इधर 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 इधर, हाँ इधर। गाइज यार दो तीन पिग्स और बाहर है, अभी पता नहीं कितने सारे बाहर निकल गए, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। आ जा भाई, इतना क्या हो रहा है, कष्ट उठा रहा भाई एकदम। देखो एक पिग वहाँ पर भी, भाई काओ बाण में क्या कर रहा है वो पिग। गाइज यार क्या है ये, अब कितने सारे निकल गए। अबे यार मेरे को ना ट्रक के अंदर भरना पड़ेगा इनको, बस बहुत हो गया। अंदर आ, इधर आ भाई इधर आ, हद कर दी है भाई हद कर दी है, इधर आ जा गोली मार दूंगा, इधर आ जा।
गोली खा जाएगा भाई, मतलब कि अब चल दिया गाइस दरवाजा। भाई कितने सारे पिग्स हो चुके हैं यहाँ पे, आई होप सो और पिग्स वगैरह ना हो। कितने सारे हो गए ये, कितने से लाया था मैं इस गाड़ी को, पहले पीछे करना पड़ेगा। चल पिछो 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 जा। नाइस गाइस, ये देख रहे हो मेरी ड्राइविंग, देखो अभी इनको ऐसे करके निकालूंगा। ये देखो तू भी जा, चलो भैंस की आँख यार इनकी। ओके आई होप सो सारे के सारे ट्रक्स जो है ना मैंने, आई मीन ट्रक्स बोल रहा हूँ भाई, सारे के सारे पिग्स जो है ना मैंने अंदर रख दिया। आई होप सो इन्हीं तो यार पंगा कर देंगे बहुत गंदा वाला, पता नहीं बाहर कहाँ मर जाएंगे भैंस की ये लोग। चलो कोई नहीं, आई थिंक इनका काम हो गया है यहाँ पे। एंड मेरे सारे दरवाजे बंद है ना, पहले देख लेता हूँ। हाँ सब कुछ, सारे तो दरवाजे बंद है यार गाइस, आई डोंट नो इनका क्या मसला है भाई। चलो अभी हमारा ना मुर्गियों का काम जो है हम कर रहे थे वो शुरू करते हैं वापस से, और यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं भाई इसको। आई थिंक गाइस इतना जो है ना काफ़ी रहेगा यार, लेकिन ज़्यादा बड़ा बना दिया बल्कि मैंने ये भी, 1 2 3 4 5 5 पे आई थिंक इनफ है। ये सारा हटा देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। और अभी देखते हैं क्या करना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ओके आई होप सो स्ट्रेट हो भाई, 18 में स्ट्रेट तो लग रहा है, ठीक है देख लेते हैं। ओके यहाँ पे भी सारे के सारे लगाने हम लोग। भाई यार उधर कहाँ लग रहा है भाई, पहले की तरह ज़्यादा मुर्गियाँ इसलिए नहीं रखनी क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना भाई सबसे ज़्यादा गंदा लाग करवा दी इसलिए, तो मुर्गियाँ तो भूल ही जाओ, इतनी नहीं रखेंगे तो रखेंगे पर इतनी नहीं। ओके आई थिंक ये स्ट्रेट होना चाहिए है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करते हैं सिलेक्ट डन। अबे यार एक तो क्या है ये, कहाँ कहाँ लगता रहता है भाई। चलो यहाँ पे गेट ऐड कर देता हूँ मैं। ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने तो बना दिया है पूरा, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़े कूप्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं मुर्गियों वाले में, और हम लोग बनाने वाले हैं एक्सपेंसिव वाले कूप्स। तो एक काम करता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक बार देख लेते हैं ये स्ट्रेट है कि नहीं है, ठीक से लगा है कि नहीं। ओके ठीक से ही लगा है, पर एक सेकेंड गाइस मुर्गियों के अंडे तो वहाँ से निकालने पड़ेंगे ना मेरे को, तो ये तो पंगा हो जाएगा भाई। उल्टा ऐसे नहीं लगाना, थोड़ा इसको इस तरह लगाएंगे, ठीक है। हाँ कुछ इस तरह से लगाते हैं, कुछ इस तरह से लगानी पड़ेंगे ही, तो आई थिंक ऐसे लगाऊँ क्या। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है एंड आई थिंक इट शुड बी परफेक्टली फाइन नाउ। ओके ठीक है, एक यहाँ पे लगा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो एक बहुत है या नहीं, एक बहुत नहीं है और लगाने पड़ेंगे गाइस। एक ऐसे लगा देता हूँ, या फिर आमने सामने तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि वहाँ से अंडे निकालने पड़ेंगे ना, इसलिए तो दिक्कत ये है। ओके आई थिंक कुछ इस तरह से मैंने इसको लगाया है यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे गैप जो है काफ़ी दे दिया है मैंने, आई थिंक इधर काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग 5 कर रखा है ना, 1 2 3 4 5। ओके तो यहाँ तक का कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना बहुत है। ओके यहाँ तक ओके फाइन है, ठीक है। अभी हम लोग वापस इस पर फेंसेज वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है, ब्लूप्रिंट हमारा जो है तैयार है। गेट यहाँ पे एक और लगाना बस, और ये हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, कोई इशू नहीं है गाइस। ब्लूप्रिंट तो काफ़ी सही लग रहा है अभी हमारा फिलहाल तो, और 2 कूप एक्चुअली इतने जो है ना मेरे को लग रहा है लाइक इनफ है, क्योंकि यार मुर्गियाँ जो है ना अभी बहुत ज़्यादा अंडे दे देती है ना, और फिर वो ज़्यादा लाइक लैग मारने लग जाता है गेम, इसलिए तो फिलहाल के लिए तो इतना बहुत है। और मैं ना अभी प्लैंक्स वगैरह लेके आता हूँ क्योंकि हम लोगों को प्लैंक्स की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पर 52 और यहाँ पर 52 मतलब 104 मेटल हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो हमारा मेटल तो हमारे पास पड़ा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ मेटल है कि नहीं, नहीं तो लाना पड़ेगा गाइस हम लोगों को। और प्लैंक तो हम लोगों को काफ़ी सारे चाहिए हैं यहाँ पे। प्लैंक यार प्लैंक का तो बड़ा मसला है गाइस, और प्लैंक तो भाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो ना मेटल से इसको भर देता हूँ मैं। ओके और यार यहाँ पर ना मेरे को थोड़ी सी इतनी जगह बनानी है कि ना ट्रेलर को अंदर लेके जा सकूँ, यार ट्रेलर अंदर जाता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। चलो 50 यहाँ पे हो गया है, और 50 यहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत और मेटल बचा है, 100 प्लैंक भाई, 100 प्लैंक, सोच रहे 200 प्लैंक तो यहाँ चाहिए हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा चाहिए उसमें भी।
तो प्लैंक भी हम लोगों को काफ़ी सारा ला के रखना पड़ेगा गाइस, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल तो डाल दिया और इसको भी वापस रख देता हूँ। अभी हम लोगों को 200 प्लैंक चाहिए और अभी भी काफ़ी सारा प्लैंक जो है रिक्वायर्ड है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना गाड़ी लेके चलते हैं और हार्डवेयर स्टोर होके आते हैं एक बार। हमारे पास में $9,000 हैं अभी, तो कोई सीन नहीं है इतना, और पिग्स वगैरह भी ठीक है। इधर हम लोगों ने बहुत सारे प्लैंक्स लेके आना है, तो चलते फटाफट से प्लैंक्स वगैरह जो है ना लेके आते हैं हार्डवेयर स्टोर से। एक बार हमारा अगर ये मुर्गियों का फार्म जो है तैयार हो गया ना, यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ ला के रख के ना, हम लोग भाई बहुत सारे अंडे इकट्ठे करने वाले हैं, और जो हमारे चैलेंजेस वगैरह अभी तक बचे हुए हैं ना अंडे वगैरह पूरे करने के, वो सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लाइक अंडे कलेक्ट करके उनको सेल करके जितना हम लोगों को अमाउंट में पैसा चाहिए उतना हम लोग करेंगे। और गाइस अभी ना यहाँ पे फटाफट से ना बहुत सारे प्लैंक खरीद लेता हूँ पहले तो मैं, क्योंकि यार प्लैंक्स की बहुत जरूरत पड़ रही है सही में। प्लैंक्स तो भाई यूं ही खत्म हो जाता है फटाक से। यहाँ पे 400 प्लैंक मैं लेके जा रहा हूँ, आई होप सो 400 ही हूँ। $1,600 यहाँ पे हमारे खर्च हो चुके हैं, और इसको फटाफट से ना मेरे को लोड भी करना पड़ेगा। तो गाइस मैं फटाफट से इसको लोड करता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से। तो यार मैंने यहाँ पे ना सारा का सारा जितना भी प्लैंक था भाई लोड कर लिया। अभी फटाफट से ना हमारे रांच पे पहुँचते हैं, और यार हम लोगों को ना हमारा मुर्गियों का फार्म जो है ना वो फिनिश करना है, ताकि हम लोग वहाँ पे ना मुर्गी वगैरह रख सकें और जल्दी से जल्द हमारा चीज वगैरह का काम भी हम लोग शुरू कर सकें। तो भाई चीज वगैरह में यार बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को, क्योंकि यार उसका जो सामान है ना वो बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। हम लोगों को ना अभी कुकर वगैरह खरीदना पड़ेगा, और तो और भाई कुकर के साथ साथ हम लोगों को पैन खरीदने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला। लाइक $20,000-30,000 हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, और इतना हमारे पास है नहीं भाई। अभी हमारे पास सिर्फ $9,000 थे, और उसमें से भी अभी $1,600 हम लोग खर्च करके आ गए भाई, $8,000 हमारे पास में। फटाफट से पहले तो सोने चलते हैं भाई, कितनी रात हो गई है गाइस। और यार हम लोगों ना भाई काफी सारी चीजें बनानी पड़ेगी हम लोगों को हर जगह पे। मेरे को ना बेड भी बिछाने पड़ेंगे अपने, ताकि ना हम लोग कहीं पे भी जाके ना लेट सके भाई, आराम कर सके। पहले तो इसको देखते हैं क्या करना है इसका। ठीक है भाई, इसको लगाते हैं यहाँ पे, सारे प्लैंक्स इसमें लगाने पड़ेंगे। को एक सेकंड थोड़ा ना इसको पीछे ही कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो भी बार बार आना जाना करना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ डायरेक्टली। ओके अबे भाई इतना आगे क्यों आई है ये, देखो भाई ट्रेलर भी अलग ही है। फटाफट से भाई 100 प्लैंक चाहिए, आई होप मेरे को लग रहा है ना ये इसी में खत्म हो जाएगा वैसे सारा प्लैंक। लगता नहीं है, 400 प्लैंक में लाया हूँ, देखते हैं क्या सीन है। इतना सारा प्लैंक भरना पड़ेगा भाई, तेजी से करना पड़ेगा सारा काम। और यार ये पिग्स का भी पता नहीं क्या सीन है भाई, पिग्स ना पता नहीं चलता कि हम लोगों को ना कब मारना है कब नहीं मारना, लाइक कब रेडी हो जाते हैं मेरे को ना कोई आइडिया नहीं रहता। मैं बस मार देता हूँ जब मन करता है लाइक जब वो ज्यादा ही मतलब थोड़े लाइक हट्टे खट्टे हो जाते हैं, तब मैं उनको लिपटा देता हूँ भाई एकदम। चलो गाइस अभी एक हमारा जो कूप है भाई वो तैयार हो चुका है, काफी तगड़ा लग रहा है वैसे देखने में, तो देख रहे हो। ओ यहाँ पे हम लोग ये भी रख सकते हैं, और इसके अंदर से ना मुर्गियाँ भी जो है ना बाहर निकलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भाई अभी प्लैंक ना हमें और चाहिए रहेगा लगता है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का भी इनका सिस्टम मेरे को सेट करना पड़ेगा इसलिए। तो ठीक है कर देंगे अभी, रुको यहाँ पे एक कितना प्लैंक चाहिए भाई, अभी तो 60 प्लैंक और चाहिए लग रहा है। ठीक है अभी भर देता हूँ इसको भी प्लैंक से भाई। और गाइस तो अभी हम लोगों का ना सेकंड कूप जो है वो भी तैयार हो चुका है यहाँ पे, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अभी एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे इनका खाने वाने का भी बना देता हूँ, क्योंकि यार फिर नहीं तो मर जाएंगी भाई यहाँ पे मुर्गियाँ और ये लेके आ गया, सारी की सारी लिपट जाएंगी पहले नहीं तो इसलिए। और इसी तरह से ना मेरे को उस वाले में भी बनाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे चलते हैं और फटाफट से भाई पहले तो यहाँ पे 2 फूड ट्रक लगाता हूँ। चलो ये लग गया यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ओके गाइस यहाँ का डन हो चुका है, इसमें प्लैंक्स फटाफट से ऐड कर देता हूँ, ताकि इनका ना ये भी तैयार हो जाए पूरा, और हम लोगों को ना इतनी चिंता ना करना पड़े। अभी हम लोगों को यार मुर्गियाँ भी लेके आनी पड़ेगी, और बहुत सारी मुर्गियाँ लेके आएंगे। एक बार देख लेता हूँ इसमें कितनी कैपेसिटी इनकी चाहिए रहती है, इस वाले में कितनी आएंगी इसमें। ओके तो यहाँ पे हम लोग ना 30 मुर्गियाँ इस वाले कूप के अंदर रख सकते हैं, जो कि काफी सही है। 30 यहाँ पे हमारे पास 60 मुर्गियाँ हो जाएंगी भाई, 60 मुर्गियाँ इज लाइक इनफ। एक दिन में 30 अंडे तो 60 अंडे तो बहुत है भाई। चलो गाइस ओके तो इस साइड का तो हमारा सारा काम हो गया, अभी यहाँ पे मेरे को लगाना है ये। और अभी तो यार इसके ना फेंसेस भी लगानी पड़ेगी, आई होप मेरे पे ना काफी सारा प्लैंक हो, लग तो रहा है वैसे हो जाएगा काम तो हमारा इसमें, देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और ये भी हमारा पूरा हो चुका है खाने पीने का। और एक सेकंड गाइस मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम लोगों को ग्रेनरी यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, एक बार चेक करने दो उसकी कितनी है। ऑफ कोर्स मेरे को ये भी लगानी पड़ेगी, नाइस कोई नहीं इसका भी करते हैं अभी सेट। पहले देखता हूँ इसमें भरा है क्या खाना। ओके तो इस साइड का खाना तो भर रहा है उसमें, लेकिन यहाँ का कुछ करना पड़ेगा मेरे को। तो वेल यहाँ यार ये काफी लाइक बीच में जो है ना खाली जगह बचने वाली है, तो एक काम करता हूँ क्यों ना मैं बीचों बीच ग्रेनरी ऐड कर दूँ, नहीं ये ज्यादा बेटर रहेगा गाइस, यहाँ लगाऊँ की यहाँ पे लगूं। डोंट नो गाइस मेरे को ग्रेनरी कहाँ लगानी चाहिए, बाहर तो यार फिर थोड़ी अजीब से लगेगी। ओके आई थिंक इट शुड बी फाइन, अबे थोड़ा गलत लगा दिया मैंने इसको। ठीक है तो एक काम करता हूँ इसको ना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और आई होप यहाँ से ना, क्योंकि मेरे को फेंस लगानी पड़ेगी ताकि ना इसको कवर कर सके मेरी जगह में। और यहाँ पे एक विंडमिल भी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ का जो काम है वो इतना बहुत है,
टर्न है अभी। यहाँ पे मेरे को फेंसिस लगानी पड़ेगी, नहीं तो यार ये अगर मुर्गी या कुछ भी अगर इस साइड आ गया ना तो फिर सीन हो जाएगा। और बट तो गाइस यार यहाँ का हमारा ये जो बिल्ड है ना ये भी तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारी ग्रैनरी ऐड कर दी और विंडमिल भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा चिकन का फार्म जो है वो लग चुका है और अभी इसको पूरा करने के लिए भाई काफी सारा मेटल चाहिए यहाँ पे, जो कि अभी मेरे को मेटल की कमी पड़ने वाली है बहुत गंदी तरह से वो भी, क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा मेटल चाहिए रहता है 125, और भाई इतना तो मेरे पे है नहीं, इतना मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सारा मेटल जो है ना यूज कर चुका हूँ, इसलिए तो मेरे को और मेटल लाना पड़ेगा यहाँ पे। और पहले तो चलता हूँ और ना यहाँ पे इसको पूरा करता हूँ फटाफट से, थोड़ा बहुत और बचा। ग्रैनरी आई थिंक बन जाएगी, ग्रैनरी का काम हो जाएगा लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, ये विंड मिल के लिए मेरे को ना और मेटल लाना पड़ेगा। तो आई थिंक कितना चाहिए रहेगा अभी इसके लिए, तो अभी आई थिंक 100 और ले आता हूँ, आई थिंक 100 इनफ रहेगा, बहुत 100। और यहाँ पे कॉन्क्रीट भी डालना पड़ेगा इसमें ग्रैनरी के लिए। तो ओके, हमारा खाने का जो है वो जो तैयार हो चुका है, इसको भर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे खाने का तैयार हो चुका है और अभी हमें ना प्लैंक्स भी यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे हर जगह पे, इसको फटाफट से पूरा करते हैं। काफ़ी सारे प्लैंक लगने वाले हैं, आई होप प्लैंक्स की कमी ना हो बस। अरे भाई ये ट्रक तो इसके अंदर ही घुसा दिया भाई मैंने इसको, तो देख रहे हो, ओ भाई उड़ जा हवा में, चलो अपने आप ठीक हो गया हुआ। ओके इसको यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बचा है ना, एक काम करूँ क्या, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा ऐड कर देता हूँ यार मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी फटाफट से हम लोग प्लैंक व्लैंक सारे लगाते हैं भाई, हमारा ना बस ये मुर्गियों का भाई काम हमारा तैयार हो जाए जल्दी से, फिर मेरे को ना भाई यहाँ पे ना जैसे पिक्स को मार के वैसे जैसे पैसे हम लोग अर्न करेंगे ना, हमारा चैलेंज वगैरह सब कुछ शुरू करने वाले हैं भाई, ताकि हम लोग ना जल्दी जल्दी खूब सारा पैसा कमाए भाई, ऐसे पैसा छापेंगे भाई फिर तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे भाई कितना प्लैंक चाहिए भाई, प्लैंक के प्लैंक भाई। ठीक है, यहाँ का भी कर दिया पूरा, ये भी बचा हुआ है इसको भी कर देता हूँ और थोड़ा बहुत सा बचा ही है, और ये भी उठ जाएगा अभी। और उसके बाद में भाई एकदम हम लोग ना देखेंगे पिक्स का क्या सीन है भाई, अभी तक लाइक खा पी के मोटे वोटे हो गए कि नहीं, मारेंगे इनको भी। इनकी जो तादाद है ना भाई थोड़ी बहुत लाइक बढ़ने दूंगा मैं, ताकि उसके बाद में इनको मारूं तो खूब पैसा मिलेगा इसलिए। तो अभी आई थिंक यहाँ से हमारा फार्म जो है डन है, और मुर्गियों का फार्म जो है ना सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी मेरे को ना यार वो भी लेके आनी पड़ेगी, रुको बट मेटल चाहिए और चिकन्स भी हम लोग लेके आने हैं काफ़ी सारी, मुर्गियों के लिए तो भाई जगह ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या करा जाएगा इस। रुको गाइस मैं ही काम करता हूँ ना, ये जितना भी ये सारा पड़ा हुआ है ना इसके अंदर ये सब कुछ नीचे गिरा देता हूँ फिलहाल के लिए, और लाइक इनको यहीं पर रखने वाला हूँ फिलहाल के लिए मैं। स्टोरेज रूम तो हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है, तो बनाएंगे तब देखेंगे उसका, तो पैसा आने दो फिर। मैं ना काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं यार, सब कुछ लाइक खरीद खरीद के ना यहाँ पर रखेंगे भाई, मज़ा आएगा तब तो बहुत। तो अभी पहले तो सारा कुछ अनलोड करता हूँ इसमें से और मुर्गियाँ लेने चलते हैं भाई, और हार्डवेयर स्टोर भी जाके आना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ना मेटल भी लेके आना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसलिए अभी साथ साथ में हम लोग हार्डवेयर स्टोर भी होकर जाते हैं और जनरल स्टोर भी जाके आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग हार्डवेयर स्टोर होके आएंगे, ठीक है, फिर हमारा क्योंकि सीधा रास्ता पड़ेगा इसलिए, तो वो भी चलते हैं हार्डवेयर स्टोर पे। और हम लोगों को 100 मेटल चाहिए राइट, तो 100 मेटल ले आता हूँ और काफ़ी अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले आएंगे। ओके यहाँ पे फटाफट से जा 100 मेटल लेके आता हूँ पहले तो मैं, तो ठीक है यहाँ पे हमारा मेटल हो चुका है और अभी फटाफट से पहुँचते हैं जनरल स्टोर पे। अगर हम लोगों ने काफ़ी सारी मुर्गियाँ लेके आनी है इसलिए हम लोग जा रहे हैं जनरल स्टोर पे और भरते हैं भाई हमारा पूरा ट्रेलर मुर्गियों से। जब हम लोग 30 अगर मुर्गियाँ रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आई थिंक अभी 40 लेके चल लेते हैं। ठीक है, आई होप 40 इसमें आ जाए बस, और पहले थोड़ा ना धीरे धीरे करके भरेंगे क्योंकि नहीं तो मुर्गियाँ जो है ना बाहर भाग जाती है, इसलिए पहले 10 खरीद लेंगे, 10 रखेंगे फिर 10 खरीदेंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग ना एक काम करते हैं, ये वाली हम लोगों ने मुर्गी एक बार भी नहीं खरीदी ना, तो ये वाले चिकन हम लोग खरीदते हैं इस बार। ठीक है, व्हाइट कलर की नहीं खरीद ली, इस बार येलो कलर की खरीद रहे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग पहले 10 मुर्गियाँ खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 10 खरीदेंगे जब सारे के सारे हम लोग उसके अंदर रख देंगे ना, क्योंकि पता नहीं है कि कितना स्टोरेज में आएगी, इसलिए तो एक एक करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ आ गई है, बाहर ना जाए बस, जो जो बाहर जाएंगे इनको पहले रखूँगा। 3 हो गई यहाँ पे, 4 हो गए, तो आई थिंक एक लाइन में 7 आ रही है। ठीक है, तो ठीक है 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ओके 10 मुर्गियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं और अभी हम लोगों को 10 और खरीदनी है। लाइक हम लोग कितने लेके जाएंगे, एक बार जितनी आ जाएगी ना उतनी ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भरना ही है वैसे भी वो, इसलिए तो यहाँ पे एक बार काम करता हूँ 20 खरीद लेता हूँ इस बार में, ताकि 30 हो जाएंगे डायरेक्ट, बस वो आराम थोड़ी ना जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा, आराम आराम से किया तो भाई सारी मुर्गियाँ गायब हो जाएंगी। यहाँ पे गिन के चलेंगे भाई कितनी मुर्गी हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, नहीं तो फिर वहाँ कहीं इधर उधर चली गई होगी ना तो मर जाएगी बेखामती के, इसलिए अंडे तो नहीं दिया ना, देखो वहाँ पे अंडे भी दे दिए भाई। और ये देखो गाइस, नहीं मतलब शांति से बैठा नहीं जा रहा, सबके सब ने भाई अंडे दे दिए यहाँ पे, सारी मुर्गियों ने अंडे दे दिए, वाह नाइस। तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके गाइस, 30 मुर्गियाँ यहाँ पे हम लोगों ने खरीद लिया, अभी फटाफट से ना इनको लेके चलते हैं भाई हमारे रांच में और इनको रखते हैं इनके कूप फार्म में।
ये देखो गाइस, नाइस। अंडे की वजह से ना उसका ट्रेलर अटक गया भाई पूरा, सारे अंडे फूट गए जितने भी थे गाड़ी में। नाइस, लो कोई नहीं गाइस, अभी इनको फटाफट से रखेंगे अंदर और उसके बाद में देखते क्या करना है इनका। जब ये सारे अंडे अंडे हो जाएंगे ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भाई गेम देख रहे हो कितना गंदी तरह से लैग मारने लग रहा है अभी से ही। आए हाय, बहुत बुरा हाल है भाई। थोड़ा ना अच्छे से पार्क करूँगा ताकि ट्रेलर के ना पास में से ही मैं सारी मुर्गियाँ जो है ना निकाल के ला सकूँ। इसलिए एक एक करके पहले तो नहीं काम करता हूँ, सारी मुर्गियाँ ना यहाँ ले आता हूँ, इनको ऐसे करके ही निकालूंगा भाई। अंडे ना देते भाई यहीं पे, ये बेकार चीज़ है बस, क्योंकि फिर वो मेरे को ना इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसलिए इधर आवे तू भी, तरह मुंडे ऊपर कर, हाँ कर तू भी कर। ओके गाइस, यहाँ तो हाँ भाई, कहाँ इधर आओ, इधर अपने घर में घुसो। 7, 15, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने 15 मुर्गी इसमें रख दिया और 15 इसमें रखनी है, ठीक है। हाँ भाई चले जाओ अंदर शांति से, तुम लोगों को क्या मैं पकड़ पकड़ के लाऊंगा अब। और ये रही हमारी 15वीं मुर्गी, ठीक है। इस यहाँ पे मैंने ना ला के रख दिया 15 मुर्गियाँ, ठीक है। और ये लोग देते रहेंगे अभी आराम से अंडे अंडे, और पहले देख लेता हूँ यहाँ पे अंडे तो नहीं पड़े ना। ओके, और यहाँ पे मेरे को मेटल भी लगाना था, रुको। चलो गाइस यहाँ पे डालते हैं मेटल, और यहाँ पे हमारा ये भी पानी का भी जो सिस्टम जो है वो भी तैयार हो चुका है, लेट्स गो। अब इसको करना है हम लोगों को कलर भाई। तो गाइस यार हमारा मुर्गियों का फार्म तो वैसे काफी तगड़ा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। एक नंबर की जगह बना रखी है हम लोगों ने इसके लिए। और ना ट्रेलर को मैं यहीं पे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये ट्रेलर यहीं रहेगा। और मेरे को जाना है, और अभी देख लेता हूँ पिक्स वगैरह बाहर तो नहीं निकले ना भाई, इनका भरोसा नहीं है, ये कहीं पे भी गोली हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं निकले ये तो बाहर, और कलर मेरे को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं ये कलर। और क्या है, इतनी जोर की बारिश हो रही है, ओए होए भाई गलत। क्या मैं इसको चिकन खूब को भाई हरे कलर का करूँ क्या, क्योंकि मुर्गियाँ जो है इसके अंदर हमारी ऑरेंज कलर की है, इसलिए मतलब येलोइश है, पर हमारे पास येलो कलर है नहीं, तो कोई नहीं, हम लोग ये वाला ही कर देते हैं। और हम लोग थोड़ा ना वाइटिश रखेंगे, क्योंकि वाइट में हम लोगों को खाने पीने का जो है ना इनका वो वाइट करना पड़ेगा, इसलिए एक ही है उसमें। तो मेरे पे वाइट कलर भी ख़त्म हो गया गाइस। चलो ठीक है, इसको करता हूँ मैं पहले में। ओ भाई क्या ही शांति लग रही है भाई इस जगह पे। इसको कर देता हूँ वाइट कलर का, ठीक है, तगड़ा लग रहा है गाइस ये। अभी मुर्गियाँ बाहर ना निकल जाए बस। ओके, क्या इसको मैं पेंट कर सकता हूँ, नहीं लग रहा हो जाएगा कहीं। अबे यार ये तो पूरा ही वो हो गया। चलो गाइस ठीक है, और इसको भी ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इनके खाने पीने का जो है उसको थोड़ा वाइटिश करना पड़ेगा। और ये हमारा डन है यहाँ पे, इसको कर देता हूँ बंद। और आई थिंक यहाँ पे हमारा काम जो है ना वो पूरा हो चुका है। अभी हम लोगों को इनको पेंट करना है, ठीक है। ये फेंसेस वगैरह थोड़ी बची हुई है, दरवाजे हम लोगों को ब्लैक कलर के करने हैं, फटाफट से फेंसेस को भी भाई एकदम वाइट कलर का कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत और बचा है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई ये वाला फार्म, सही बता रहा हूँ, मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है ये। लाइक काओ बाना उसका भी एक नंबर का है, पर ये भी तगड़ा है गाइस। और इसको फटाफट से करता हूँ यहाँ पे ऐड, और मेरे पे वाइट कलर ख़त्म हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। देख रहे हो ये वाला वाइट तो नहीं है, क्या वाइट है ये, पता नहीं। 13 जगह पर लग सकता है सिर्फ, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कम पड़ने वाला ही है। 2, 3, अबे यार नहीं वहाँ नहीं लगना था। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अबे यार वो पता पूरा परफेक्ट हो जाता अगर वो फालतू में वहाँ पे नहीं लगता तो। ओके कोई नहीं, चलो इसको कर देता हूँ अभी। ओके आई थिंक मेरे को वाइट कलर का ना और लाना पड़ेगा, या फिर मेरे पे है पता नहीं, आई डोंट नो, ये थोड़ा लग तो रहा है वाइट ही है ये शायद, हाँ वाइट ही तो है ये। चलो वाइट का काम भी हमारा पूरा हो चुका है। और यहाँ पे कोई पेंट का डब्बा रखा था ना, हाँ ये रहा, चलो इसको भी लेके चलते हैं। भाई क्या बिजली कड़क रही है, क्या हो रहा है इसको भाई, कैसा वेदर हो रखा है ये, पूरा बारिश वारिश हो रही है, पूरे स्क्रीन पे भी पानी पानी हो गया मेरे तो। ओ भाई यार मैं येलो कलर लेके आ रखा हूँ, माय बैड गाइस, माय बैड। चलो इसको करते हैं अभी येलो, कोई नहीं है, कोई सीन नहीं है, येलो मैं लेके आ रखा था गाइस, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है कि नहीं। अभी रुको, अभी सुबह होने दी, अभी तभी तो पता लगेगा, अभी कैसे पता लगेगा यार, रुको पहले तो मैं सोने चलता हूँ फटाफट से। ऑलराइट, तो गाइस यार सुबह हो चुकी है, और ये लेकिन वेदर जो है ना अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वेदर वैसा का वैसा ही है। और गो फार्म तो तगड़े लग रहा है वैसे, सही तो लग रहे हैं यार वैसे, देखा जाए तो सही लग रहा है ये वाला फार्म। और मेरे को थोड़ा ब्लैक भी तो करना था, रुकूँ ब्लैक करूँ या फिर वो ग्रेइश वाला करूँ, एक बार देखूँ तो। दरवाज़ों पर यही सही लगता है ना, हाँ ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है वाला कलर, चलो ये कर देता हूँ, एक नंबर का लग रहा है अब।
तो गाइज़ यार हम लोगों का यहाँ पे जो चिकन कूप है और यहाँ पे इनका खाने का सिस्टम है ना, वो भी पूरा एकदम सेट हो चुका है। तो कैसा लग रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और ये अंडे वंडे दे रहे हैं कि नहीं भी देख लेता हूँ। ये लोग अब अंडे नहीं दे रहे भाई, वहाँ पे तो खूब अंडे दे रहे थे ये लोग अभी। हद है मतलब भाई, अभी अंडे नहीं देंगे। वाह नाइस। चलो गाइज अभी ना मैंने यार पिग्स का भी खाना नहीं देखा वैसे तो, वो पिग्स का भी खाना देख लेते हैं। और इनकी तादाद भी भाई बढ़ते जा रही है। चलो इसमें तो खाना है और इसको भी रिफिल कर देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, इनका खाने पीने का सिस्टम तो ठीक है। और एक सेकंड गाइज, यहाँ पे जो है ना ये मेरे को थोड़ा ना ऑफलाइन खेल के करना पड़ेगा इसको ना। या तो सारे अंडे फोड़ूंगा या फिर सारे अंडे सेल करके आऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे है ना तीन मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो गाइज आई थिंक यहाँ पे, अबे यार मेरे पास मेटल पड़ा हुआ था। अच्छा लेकिन इतना इनफ नहीं था आई थिंक। ओके ठीक है, कोई नहीं। और इन पिग्स का भी मेरे को करना पड़ेगा भाई इनका, ये थोड़े बड़े हो जाए भाई, उसके बाद में एक बार में सारे के सारे मार मुरा के पूरे एकदम सारे कूलर भर के जाएंगे भाई एकदम। और इसको अभी करता हूँ पहले बंद मैं यहाँ पे, और चलते हैं अभी इसको ना गाड़ी को भी मैं पार्क कर दूंगा और अभी सोएंगे, सोने चलते हैं आराम से, सोएंगे आराम से आराम से एकदम घर में लेटेंगे भाई। बहुत काम कर लिया आज हम लोगों ने, फिर आज ना ही काम करते हैं, टेंट में सोते हैं भाई जाके। ऑलराइट गाइस, तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर मजा आया तो यार नीचे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और यार मेरे को कमेंट में सजेस्ट करते रहो ये क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं अभी। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।